सब्सक्राइब आवर चैनल VTV ओडिया एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। सर वैक्सीन की अभी क्या स्थिति है? देखिए कोवैक्सीन दिल्ली में खत्म हो चुकी है 18 से 44 साल के लोगों के लिए, और 18 से 44 सालों के लिए जो कोविशील्ड है वो भी दो दिन की लगभग बची हुई है। सरकार की तरफ से कुछ बताया कि कब तक कोवैक्सीन मिल पाएगा, नहीं खेप कब तक आएगी, कुछ सरकार की तरफ से ना? हाँ, तो वो बहुत ही अभी 18 से 44 साल के लिए तो कुछ है ही नहीं। सर एक जो नया मसला इन दिनों आया है सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया इसे लेकर, हाई सिंगापुर की सरकार जो है वो भी भारत सरकार से जवाब तलब कर रही है, ये ख्याल कहाँ से आया सर, ये जानकारी कहाँ से, क्या कहना है दिल्ली सरकार का इस पर? ये कहा जा रहा है कि ऐसा कोई स्ट्रेन है ही नहीं। नहीं, देखिए स्ट्रेन तो इस टाइम कोरोना के बहुत सारे स्ट्रेन हैं। जैसे जैसे म्यूटेट होता रहता है वैसे स्ट्रेन का नाम अलग अलग रखा जाता है, तो इंडिया में कई सारे स्ट्रेन इस टाइम चल रहे हैं, तो जीनोम सीक्वेंसिंग से पता लगता है, तो शाम तक इसको ले सकते हैं। सिंगापुर का स्ट्रेन कहाँ से है, इसको बता देंगे आपको, स्ट्रेन तो अलग है ही, ये तो पक्का क्लियर है। आप मान रहे हैं कि सिंगापुर का स्ट्रेन है ये? देखो स्ट्रेन सिंगापुर का है, दिल्ली का है, अमेरिका का है, लंदन का है, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्ट्रेन अलग अलग है, कोरोना का स्ट्रेन है। सर सिंगापुर नहीं, सर इसे लेके जो कंफ्यूजन हो रहा है ये कहा जा रहा है, बता देंगे आपको ना, नहीं वेरियंट, तो देखो आपको सारे वेरियंट की मैं लिस्ट बना के दे दूंगा, कितने सारे वेरियंट जो की बताए गए हैं। देखो वेरियंट जितने भी होते हैं उनको पहले जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, उसके बाद पता लगता है, और वेरिएंट नहीं है ये कहना तो बहुत गलत है। सर विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि इस तरह के बयानों से जो हमारे बहुत पुराने संबंध हैं दूसरे अन्य देशों के साथ में वो डैमेज होते हैं और इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। नहीं देखिएगा, जब लंदन से फ्लाइट्स आ रही थी हमने सरकार से कितनी रिक्वेस्ट की थी कि लंदन से आने वाली फ्लाइट को रोक लिया जाए, जब सबसे पहले आप एक साल पहले की बात कीजिएगा, हमने कहा था यूरोप से आने वाली पूरी देश की फ्लाइट रोक दीजिएगा, तो तब भी हमारे खिलाफ कहा गया था भी आप क्यों ऐसी डिमांड कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर दिल्ली को या देश को हमें बचाने के लिए कुछ भी करना चाहिए तो करना चाहिए। लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि अब ये इस तरह का कोई वेरिएंट है नहीं, यानी कि सिंगापुर का ऐसा कोई वेरिएंट नहीं है। कोरोना के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, और आपका ये कहना है कि सिंगापुर में कोई वेरिएंट नहीं है, तो सिंगापुर में तो इसका मतलब केस भी नहीं होना चाहिए, केस तो नहीं।